ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड टाइप के जो एग्जांपल्स हैं उसमें से हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं अभी। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ठीक है, तो अगर मैंने इसको u कंसीडर कर लिया x को और v को कंसीडर कर लिया मैंने डिनोमिनेटर, दैट इज 7 माइनस 3x, तो ये वाला जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा u डिवाइडेड बाय v। हमें इसका डेरिवेटिव पता है स्टूडेंट, dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो है du बाय dx और dv बाय dx। यहाँ पे v, u और v तो यहाँ पे ऑलरेडी देखे हैं, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट अगर कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दैट इज 7 माइनस 3x। ये अभी हमने सभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे du बाय dx और dv बाय dx ये दोनों टर्म हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसके साथ साथ u, v और v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अभी हम यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू लेते हैं, तो du बाय v इज इक्वल टू क्या था, देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू du बाय dx, देखें du बाय dx की वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसके बाद माइनस u की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पे x, और उसके बाद dv बाय dx की वैल्यू ये वाली थी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था, देखिए v का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीराइट कर लेते हैं हम, देखिए क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ माइनस प्लस ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3x, मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एलसीएम दिख रहा है हमें, तो उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में पूरे टर्म को स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, साथ साथ 2 है तो 2 से भी ले लेंगे, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले टर्म से प्लस, या तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 3x और डिवाइडेड बाय ये हो गया 7 माइनस 3x, समझ में आया स्टूडेंट, इसके साथ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x प्लस दिस इज 3x डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, तो ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखिए ये हो जाएगा 7 माइनस 3x क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो गया 3x डिवाइडेड बाय ये इसके साथ आ गया, तो 2 टाइम्स ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 हो गया, और ये हो गया माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे एक बात देखिए, अगर आपके पास a और स्क्वायर रूट ऑफ a ऐसा कोई टर्म है तो इसका मतलब इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो बाय यूजिंग इंडाइसेस रूल हम इन दोनों का पावर का एडिशन कर सकते हैं, 1 प्लस ये हो जाएगा हाफ,
वन प्लस हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए और ए कहता हूँ तो इसका ए का पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया 7 - 3x का पावर 3/2। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा फिर से, तो ये हो गया 14 - 3x, इन दोनों का एडिशन। ठीक है स्टूडेंट, -6x + 3x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो गया 2 times, दिस इज 7 - 3x टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का एग्जांपल, सो यहाँ पे फोर्थ नंबर के एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, दो फंक्शंस देखे, दोनों का डिवीजन देखे हमें यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू, ये फोर्थ नंबर का था। सो मैं यहाँ पे पहले न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको u कंसिडर कर लेता हूँ, मतलब ये हो जाएगा x³ - 5 टू द पावर 5, और v इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं x² + 3³। सो मैं ऐसे रखने के बाद यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू u/v। तो ये इम्प्लाई करेगा dy/dx इज इक्वल टू, आपको पता है ये क्वेश्चन रूल, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं यहाँ पे पहले du/dx निकालता हूँ। सो u इज इक्वल टू x³ - 5 का पावर 5। सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du/dx इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगा x³ - 5 होगा और पावर में से 1 लेस होगा, और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और -5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। दैट इज 5 इंटू ये वाला 3x² अगर मैं आगे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 का x² और ये x³ - 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे du/dx मिल गया। अब हम क्या करते हैं dv/dx निकालते हैं। सो मैं यहाँ पे v कंसिडर करता हूँ, v इज इक्वल टू क्या देखें, देखिए x² + 3 टू द पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं लिखता हूँ dv/dx, मतलब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, हर बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब लेंथ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 आगे लिख लेते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, और फिर से डेरिवेटिव लेते हैं हम इस फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 2x। सो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, ये वाला x, उसके बाद हो जाएगा x² + 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हमें यहाँ पे du/dx और dv/dx ये दोनों टर्म मिल गए, ये सारे के सारे टर्म, ये इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ मैं इसको, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा इससे लिखता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए v था, v देख लिया पे क्या है x² + 3³ इंटू du/dx है, देखिए du/dx की वैल्यू ये थी 15, मैं ये 15 थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, मतलब फिर से एक स्टेप हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 15 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद ये x² लिखता हूँ, और उसके बाद क्या था हमारा v था, तो v लिख देता हूँ मैं x² + 3 का स्क्वायर, इसमें से क्या था x³ - 5 का पावर 4। समझ में आया ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए du/dx का और v का, इन दोनों का, तो 15x², उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखा मैंने, ये वाला, तो इसको ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, फॉर आवर कन्वीनियंस एक स्टेप मुझे कम लिखना है इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस साइन, ये देखिए माइनस साइन u × dv/dx, ये u था हमारा और ये dv/dx था। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना, मैं पहले 6x लिखता हूँ उसके बाद ये वाला ब्रैकेट और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो 6x, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखता हूँ मैं x³ - 5 का पावर 5। ठीक है, और उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके बाजू में एक्चुअली, ये समझ लीजिए आप, ये था x² + 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा x² + 3 का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर अगर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखेंगे। समझ आया ना, v का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 3 = क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से हम इसका
डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के कुछ होमवर्क मैं आपको आपके ग्रुप में डालता हूँ, वो आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।